नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चार क्वेश्चन जो पूछे गए थे आपके 2021 प्रीलिम्स सीसैट के पेपर में फ्रॉम द टॉपिक नंबर सीरीज। बट बिफोर बिगिन विद द डिस्कशन, लेट्स टॉक इन डिटेल अबाउट द प्रीलिम्स निर्वाणा कोर्स जो कि एट साथी के प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। और इस कोर्स के क्या इंपॉर्टेंट की फीचर्स हैं, पहला ये है कि आपको पूरा का पूरा सीसैट का कोर्स, विच इज़ अ कोर्स ऑफ 35 आवर्स रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव लेक्चर्स नहीं है, रिकॉर्डेड है। बहुत लोगों का डाउट आ रहा था कमेंट सेक्शन में, तो इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। यार, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, आपको जितनी बारी देखना है यू गेट द एडवांटेज ऑफ व्यूइंग इट एन नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये हम लोग उस पर कवर कर रहे हैं, ये आपको प्रीलिम्स निवाना के कोर्स में भी मिल जाता है। दूसरा पार्ट ये है कंटेम्प्रेरी अफेयर्स का पूरा पूरी कोर्स है। नाउ यू नो व्हाई दिस इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज यूपीएससी अभी कंटेम्प्रेरी अफेयर्स पे फोकस कर रहे हैं, नॉट जस्ट द करंट अफेयर्स। सेकेंड थर्डली यू गेट द प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, यू गेट द प्रीलिम्स मेंटरशिप, ऑल्सो यू गेट द लॉजिकल गेसिंग कोर्स। ऑल ऑफ दीज कम्बाइंड एट अ वेरी इफेक्टिव प्राइस रेंज ऑफ ₹5900 इंक्लूडिंग द टैक्सेस। बट ये जो ऑफर है ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 300 सब्सक्राइबर्स के लिए वैलिड है, तो अगर आपने नहीं किया है कर लो। नाउ कमिंग बैक टू जिसके लिए आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, विच इज द सोल्यूशन ऑफ द नंबर सीरीज क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे प्रीवियसली। नाउ एक बार इस क्वेश्चन को नजर डालो, 8, 4, 6, 15, 52.5, 236.25। नाउ इसका ग्राफ क्या है, और मैं बोलूँ कि नंबर्स फ्लो कैसे कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नंबर सीरीज के क्वेश्चन में आपको निकालना है उसका फ्लो, कि नंबर्स जो है वो किस ऑर्डर में इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, क्या है एक ग्राफ, क्या है उसका मूवमेंट क्या है। तो अगर मैं इसको देखूं तो 8 से ये नीचे जा रहा है, उसके बाद ये इंक्रीज होते चला जा रहा है, इस तरीके का एक ग्राफ बनेगा, राइट। जब भी ऐसा ग्राफ मिले आपको किसी भी क्वेश्चन में, इफ यू गेट दिस पर्टिकुलर ग्राफ, नो दैट द मल्टीप्लाइंग फैक्टर और ऑफन नोन एज MF इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ और 0.5। ये आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है। पहली चीज, क्या अगर ऐसा ग्राफ मिल रहा है किसी भी क्वेश्चन में, आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमेशा 0.5 या फिर 1/2 होगा। ना इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। सपोज करो मेरा नंबर है 9, देन इट गोज टू 4.5, देन इट गोज टू अगेन 4.5, देन इट गोज टू 9, और उसके बाद देखते हैं क्या होगा। चलो देखते हैं, 9 मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 9 से 4.5 कैसे जा सकते हैं, हाफ कर दो, 4.5 से 4.5 पे जाना है इंटू 1 कर दो, 4.5 से आपको जाना है 9 पे इंटू 2 कर दो, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, कोई आइडिया लग रहा है क्या। देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1/2 है, दूसरी बारी वो चेंज होके 1 हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाइंग द मल्टीप्लाइंग फैक्टर विद 2, अगेन मल्टीप्लाइंग दिस विद 2, टेकिंग द डबल वी गेट 2। नेक्स्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा जल्दी से बताओ, यस इट इज इनटू 4, व्हाट विल बी द वैल्यू, 9 4 36। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अगर मैं नेक्स्ट पूछूं आपसे, इनटू 4 2 8, व्हाट एवर द वैल्यू इज दैट विल बी माय नेक्स्ट टर्म। तो आई होप ये आप लोग फॉलो कर रहे हो, ये क्या ये उसी सीक्वेंस पे बेस्ड है पहला वाला सीक्वेंस, यस 8 4 6 15, ये डिक्रीज होके इंक्रीज हो रहा है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये रहेगा, उसमें कुछ वेरिएशन हो सकते हैं, ध्यान देते हैं फाइंड आउट करते हैं कि क्या वेरिएशन है। अच्छा क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, यू आर गिवन टू आइडेंटिकल सीक्वेंस, आइडेंटिकल सीक्वेंस का मतलब यह है कि जो पहला है वही सेम पैटर्न सेम फ्लो दूसरे वाले में भी फॉलो होगा। अब दूसरे वाले मेरे पास फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, ए बी सी डी ई दिया हुआ है, मतलब वेरिएबल्स हैं, मुझे फाइंड आउट करना है किसका वैल्यू, व्हाट विल बी द एंट्री इन द प्लेस ऑफ सी, सिर्फ सी के लिए मुझे फाइंड आउट करना है। चलो चौथा टर्म है, फोर्थ टर्म, लेट्स सी, लेट्स ट्राई एंड फाइंड द फ्लो फर्स्ट। सो 8 to 4 इट इज हाफ, और आई कैन से 0.5, राइट। नाउ 4 से आपको जाना है 6 पे, 6 4 इंटू 2 इफ आई से, और इंटू 1 दैट इज 4 इंटू 2 दैट इज 8, बट दिस इज इंटू 1.5। नेक्स्ट 6 इंटू अगर मैं 2 करूंगा दैट इज 12, 6 इंटू 3 18, लेकिन ये बीच में है, लाई कर रहा है, सो दिस इज आई नो दिस इज 2.5। आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है यहाँ पे, MF इज 0.5 और 1/2, एंड इट इज इंक्रीमेंटेड बाई
1 each time. देखो 0.5 से 1.5 हो रहा है, फिर 2.5 हो रहा है, ऑब्वियसली नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा मुझे पता है, आप लोग को भी पता चल चुका है, दैट इज 3.5. देख लो 15 into 3.5 दैट इज 52.5. नेक्स्ट दैट वुड बी 4.5. 52.5 into 4.5 इफ यू डू द कैलकुलेशन यू विल गेट 236.25. नाउ आई हैव द फ्लो, जैसे फ्लो पता चल गया यूज कर लो यार. 5 into 0.5 हाफ कर दो, 5 का क्या है, दैट इज 2.5, ए की वैल्यू 2.5. 2.5 into 1.5 क्या हो जाएगा, दैट इज सिंपली 3.75. 3.75 into 2.5 दैट इज द वैल्यू ऑफ सी विच इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 9.375. ये है 3.75 into द मल्टीप्लाइंग फैक्टर दैट इज 2.5. क्या ये डिफिकल्ट है? नहीं है यार, नंबर सीरीज के क्वेश्चन बहुत इजी हैं, आपको बस कुछ कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है. और इस जो हमारा कोर्स है उसमें मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, मैं इन चीज़ों का ध्यान रखने वाला हूँ. मैंने क्या किया, मैंने इन नंबर सीरीज के क्वेश्चन को कुछ टाइप्स में डिवाइड कर लिया है. अगर आप उन टाइप्स का ध्यान रखते हो तो ये क्वेश्चन बहुत ईजिली बन जाएंगे. चलिए दूसरे क्वेश्चन पर भी नज़र डाल लेते हैं. वॉट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक मिसिंग टर्म है इन द सीक्वेंस 2, 7, 22, 67, 202. यार 2, 7 क्या हो सकता है, ध्यान दो 2 into 3 कर दो 6 plus 1 7. 7 और 22 है, into 3 plus 1 क्या सीरीज है, डिफिकल्ट है क्या? सेम पैटर्न फ्लो हो रहा है, 22 into 3 plus 1 67, 67 into 3 plus 1 दैट इज 202. नेक्स्ट क्या हो जाएगा, into 3 plus 1 606 plus 1 607. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. टाइम लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है. नाउ ऐसे ही दो और क्वेश्चंस हैं, मैं इनका सोल्यूशन नहीं करने वाला हूँ, ये आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो. नेक्स्ट, ये जो है ये दिस इज अ पार्ट ऑफ जहाँ पे ये ग्रिड बन जाते हैं, मैट्रिक्स बन जाता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर. नाउ आई विल बी टेकिंग अ होल लेक्चर ऑन दिस, ये इंपॉर्टेंट है. ऑल्दो ये जो क्वेश्चन पूछा गया स्पेसिफिकली ये बहुत ईजी है, आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो. मैं इसका सोल्यूशन अभी यहाँ पे नहीं देने वाला यार, ये बहुत ईजी है, ट्रस्ट मी. आप लोग बैठोगे 2 मिनट भी नहीं लगेगा इसका आंसर देने में. राइट ना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. सी सैट के लिए अगर आपको एनरोल करना है देख लो एक बार ही कोर्स डिटेल्स क्या क्या है. 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ये पूरा पूरी रिकॉर्डेड वीडियोज़ है, पूरा पूरी रिकॉर्डेड है, 35 hours. यू कैन वॉच दीज एन नंबर ऑफ टाइम्स. विद दिस विल बी गिविंग प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और साथ साथ में कुछ मॉक पेपर्स, सो दैट यू एक्सेल इन दिस एग्जाम. चलिए थैंक यू सो मच.